बात बेगूसराय की, जहां एक शख्स भीख मांग रहा है ताकि 2 लाख जुटा सके। भीख मांगने वाला ये शख्स कभी सरकारी कर्मचारी रह चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसे भीख मांगकर 2 लाख रुपए जुटाने पड़ रहे हैं। कैसे एक रिटायर्ड कर्मचारी को सिस्टम ने भिखारी बना दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिला परिषद के कर्मचारी और अधिकारी द्वारा घूस की मांग की गई है। मेरे पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। ये शब्द उस शख्स के हैं जो कभी सरकारी कर्मचारी हुआ करता था, लेकिन आज सिस्टम ने उसे भिखारी बना दिया। उस सिस्टम ने जिसे बनाया तो जनता की सेवा के लिए गया, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार ने इसे खोखला कर दिया। ये तस्वीर है बेगूसराय की, जहां रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भीख मांग रहा है। भीख मांगकर 2 लाख रुपए जमा कर रहा है ताकि वो पैसे घूस के तौर पर जिला परिषद के अधिकारियों को दे सके, ताकि उनका बकाया वेतनमान उसे वापस मिल सके। इस रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने लंबित वेतनमान के लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने भी वेतनमान देने के आदेश दिए, लेकिन आदेश के बाद भी अधिकारी बिना रिश्वत के वेतन देने को तैयार नहीं। ऐसे में गरीब बुजुर्ग को घूस देने के लिए सड़कों पर भीख मांगना पड़ रहा है। हाँ, और मैंने माल के लेके थी जो है ना, माने दयासागर शास्त्री जो थे बड़ा बाबू, तो हम सुशांत कुमार चौधरी जी साहब DDC थे उस समय, कहें कि तुम 2 लाख रुपया दो हम तुमको करवा देंगे, हम कह घर बेच के देंगे, हमको तनि घर हम कहाँ से बेच के देंगे। और उसके बाद ये साहब जो नए DDC साहब आए हैं, इनको आवेदन दिए हैं कि फाइल पुटअप करने के लिए, मैंने भेजे हैं कि अब उनका ऑर्डर लिए हैं सामने में, वो ज्वाइन का थी जाकर आवेदन दिए हैं, अभी तक आवेदन पर कोई अमल नहीं किया गया है जिला परिषद के। रिटायर्ड मोहन पासवान की भीख मांगने की ये तस्वीर प्रशासन के साथ जिला परिषद के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल मोहन पासवान 1993 में रोलर चालक के पद से रिटायर हुए। वो रिटायरमेंट के बाद से वेतनमान के लिए CM के जनता दरबार गए, जहां न्याय मिला और जारी हुए आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी अनुमति दे दी। लेकिन DDC सुशांत कुमार ने अकाउंटेंट दया सागर से मिलने के लिए कहा। अकाउंटेंट से मिलने के बाद उनसे 2 लाख की रिश्वत की डिमांड की गई। रिश्वत नहीं देने के चलते पिछले 5 सालों से उन्हें वेतन का लाभ नहीं मिल सका। अंत में अब रिश्वत देने के लिए भीख मांगकर 2 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। रिटायर करके चुपचाप घर में भूखे प्यासे बैठे हुए थे, तो सोचे कोई नहीं सुन रहा था, कम से कम तो रोड पर जाके जिले परिषद के द्वार पर जाके मर जाए। मैंने 1984 से लेकर 2020 तक सेवा दिए, 1993 से 2007 तक रोलर चलाए, जब रोलर 18-19 साल चला लिए तो रोलर खराब की स्थिति में हो गए, लगा दिए। उसके बाद हम DDC साहब के गोपनीय शाखा में ऑर्डरली का काम करते थे, ऑर्डरली काम करते हुए रिटायर किए। वहीं इस मामले में बेगूसराय के DM रोशन कुशवाहा ने बताया कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया वैसे ही उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही उनका जो भी लंबित भुगतान है उसे जांच कर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसमें उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को निर्देश दिया गया है कि उनको बुला के उनके जो संबंधित कागज हैं, चाहे जो डिग्री की बात है या उस पद की पात्रता रखते थे कि नहीं रखते थे, इन बातों पर डिटेल डिसीजन लेके उनका जो भी देय राशि बनती है उसका भुगतान करवाना सुनिश्चित करें, ताकि जो भी काम किया गया उसका अनुपात में उनका भुगतान हो सके। बहरहाल जिला प्रशासन ने तो जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जिन अधिकारियों की वजह से एक रिटायर्ड कर्मचारी भीख मांगने पर मजबूर हो गया उन पर कार्रवाई होगी क्या। बेगूसराय से जिवेश तरों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।